एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम है नकारा और आवाम का समंदर जो है यहाँ पर उमड़ आया है, अपने मसाइल जो हैं हमारे सामने रखे जा रहे हैं। हल्का NA-57 के जो मसाइल हैं वो हमारी आवाम ने हमारे सामने रखे, तो हम भी चाहते हैं कि और भी जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद उनसे बात की जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज जाने जाएँ। और देखा, मैं साथ साथ देख रही हूँ कि पीछे कहीं टकरा ना जाऊँ, मैं भी एक बहुत बड़ा मसला ना बन जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सब ठीक है आपकी? शुक्र है। मुझे बताइए, वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि इस पूरे मुल्क के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो कि हल हो जाने चाहिए? हल हो चुके जाने चाहिए। हाँ, अच्छा सबसे पहले तो मुल्क की जो मईशियत है जी, उसको ठीक करना होगा। तो वो इस मुल्क की मईशियत को जो है ना, इसरफ नवाज शरीफ जो है वो ठीक कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे मुल्क के मसाइल को हल किया है, पाकिस्तानी आवाम को बहुत कुछ दिया है, और इमरान खान ने जो आके ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजारा हो रहा है? बाकी हो रहा है, गुजारा हो रहा है। चलेंगे, बताए वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। इसी हल्के के रहने वाले हैं? जी जी, ठीक है। अब ये बताइए गाइस, हल्के के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो कि जो भी नई हुकूमत आती है उसको सबसे पहले वही मसला हल करना चाहिए? सबसे पहले महंगाई खत्म करनी चाहिए। अच्छा, महंगाई खत्म करते हैं तो समझो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सर वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह कास्ट करेंगे, किसी ईमानदार को देने की कोशिश करेंगे। किसी ईमानदार को देंगे, और जिस ईमानदार को देंगे अगर उसको गवर्नमेंट बना लेता है तो इस हल्के के कौन से ऐसे काम है जो उसको सबसे पहले करवाने चाहिए? बहुत सारे काम बाकी हैं जी। सबसे बड़ी मसले यहाँ पे जो हमें आ रहे हैं नज़र, वो महंगाई है जिसके पीछे हर आदमी परेशान हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जाहिर है बेसिक चीज़ें हैं जो स्कूल वाली, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन हर चीज़ एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं हो रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हल होना चाहिए। जी जी, महंगाई बहुत बड़ा मसला है जिससे आप भी बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, इस हल्के के से निकल के कुछ पाकिस्तान के मसाइल पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा एक मसला है जो आप समझते हैं कि जो भी नई हुकूमत आती है सबसे पहले उस मसले पे गौर करना चाहिए? सबसे पहले तालीम पे गौर करना चाहिए, जो हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी, ज़रा भी तालीम पे फोकस किया ही नहीं जाता ना। देखें, जालियत की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया को अगर हम फोकस करते हैं तो लोग मेडिकली, ठीक है, हेल्थ पे सबसे ज़्यादा उनका बजट होता है, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बजट होता है। हमारा जो बजट है वो सबसे ज़्यादा एक तो खाने पीने में जाता है, जिस वजह से इसलिए हमारी सेहतें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से कुछ हमें बताइएगा जो कि नई हुकूमत आएगी, नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी, जिस भी पार्टी की बनेगी, उसको इन मसाइल पर गौर करना चाहिए। मैं जो चीज़ जो रिशू कर रहे हैं बुरान महंगाई का, ठीक है, तो महंगाई पे अगर काबू पा लिया उन्होंने तो समझ लेते बेनिफिट है। ओके, बाकी तो ओवरऑल तो काम चलो वो करते हैं, कराते हैं, बोलते हैं। मेन जो रिशू है महंगाई का, ठीक है, हर बंदा जो गरीब जो तबका लोग हैं वो किसे जा रहे हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो मेडिसिन पाकर जो पेशेंट होते हैं वो अफोर्ड करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया, चल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हमारे अवाम, ये थे NA-57 के अवाम, ये थे वो लोग जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने आपके सामने रखे। ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इस हल्के के मसाइल के हवाले से, वो तमाम हमने आपके सामने रख दिए। महंगाई जो कि एक बहुत बड़ा मसला, इन्हीं की जानिब से बताया जाता है कि अगर नई आने वाली हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल कर लेती है तो मसाइल, तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये था आज का प्रोग्राम नकारा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।